का ही। मैं आर एम शर्मा जी, इस कलोनी का वासी हाँ, राजगढ़ की बजिंदा। ये देखो जी, इन्होंने लेक के नाते की बनाया हुआ है। ये भी इन्ने मच्छर ने, इन्नी काई जमी हुई है, तो ये सांप भी घूमते हैं। असी कई दिन पहला वीडियो भी बनाई है, ये सांप भी घूमता पाया सी। तो ये आले दुआले बच्चे खेडते हैं, तो कोई भी बच्चा इतने डिग सकता है। कोई पता नहीं है जी, अगर जे कोई बड़ा हादसा हो गया तो कोई कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा। तो मैनेजमेंट ने बना के छड़ती, दो साल हो गए, ये कोई सफाई नहीं करवा रहे। इक्का दुक्का एक दो बार आते हैं जो मजदूर, जो काई कोई कढ़ते हैं, बाकी कोई सफाई नहीं हुई। तो यदा उन्होंने तो बस बना के इतने लाते, पानी गंदा है तो फुहारे लाए हुए की करा असी फुहारियां का। जेकर असी इतने बच्चे सारे साडे बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो डर लगता है जी। आजकल डेंगू फैलिया हुआ है, किसी भी टाइम किसी भी बच्चे को डेंगू हो सकता है, बड़ी घटना भी हो सकती है। तो ये कोई सुनवाई नहीं है। तुसी आप देख सकते हो इतने कितना गंदा पानी है, काई जमी हुई है, मच्छर होए हुए हैं। असी हर टाइम इस चीज़ नाल दहशत रहती है कि किसी बच्चे को कोई बीमारी ना हो जाए, कोई डेंगू या मलेरिया ना हो जाए। इस करके असी सारे डरे हुए हैं। तो असी सोचते हैं जी, ये बारे अधिकारी कोई ना कोई एक्शन लेन, या तो इनू बंद कराया जाए। असी तो कहते इनू बंद करा के कोई पार्क बना दो, ताकि बच्चे बच्चों के लिए कोई झूले ला दो, कोई एक्सरसाइज की मशीन ला दो, ताकि सारों कोई सुविधा तो मिले। ये की सुविधा है, किसी को कोई यदि कोई फायदा नहीं है, सारे नुकसान ही नुकसान है। मैं आर एम शर्मा जी, इस कलोनी का वासी हाँ, राजगढ़ की बजिंदा। ये देखो जी, इन्होंने लेक के नाते की बनाया हुआ है। ये इन्ने मच्छर ने, इन्नी काई जमी हुई है, तो ये सांप भी घूमते हैं। असी कई दिन पहला वीडियो भी बनाई है, ये सांप भी घूमता पाया सी। तो ये आले दुआले बच्चे खेडते हैं, तो कोई भी बच्चा इतने डिग सकता है। कोई पता नहीं है जी, अगर जे कोई बड़ा हादसा हो गया तो कोई कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा। तो मैनेजमेंट ने बना के छड़ती, दो साल हो गए, ये कोई सफाई नहीं करवा रहे। इक्का दुक्का एक दो बार आते हैं जो मजदूर, जो काई कोई कढ़ते हैं, बाकी कोई सफाई नहीं हुई। तो यदा उन्होंने तो बस बना के इतने लाते, पानी गंदा है तो फुहारे लाए हुए की करा असी फुहारियां का। जेकर असी इतने बच्चे सारे साडे बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो डर लगता है जी। आजकल डेंगू फैलिया हुआ है, किसी भी टाइम किसी भी बच्चे को डेंगू हो सकता है, बड़ी घटना भी हो सकती है। तो ये कोई सुनवाई नहीं है। तुसी आप देख सकते हो इतने कितना गंदा पानी है, काई जमी हुई है, मच्छर होए हुए हैं। असी हर टाइम इस चीज़ नाल दहशत रहती है कि किसी बच्चे को कोई बीमारी ना हो जाए, कोई डेंगू या मलेरिया ना हो जाए। इस करके असी सारे डरे हुए हैं। तो असी सोचते हैं जी, ये बारे अधिकारी कोई ना कोई एक्शन लेन, या तो इनू बंद कराया जाए। असी तो कहते इनू बंद करा के कोई पार्क बना दो, ताकि बच्चे बच्चों के लिए कोई झूले ला दो, कोई एक्सरसाइज की मशीन ला दो, ताकि सारों कोई सुविधा तो मिले। ये की सुविधा है, किसी को कोई यदि कोई फायदा नहीं है, सारे नुकसान ही नुकसान है। मैं आर एम शर्मा जी, इस कलोनी का वासी हाँ, राजगढ़ की बजिंदा। ये देखो जी, इन्होंने लेक के नाते की बनाया हुआ है। ये इन्ने मच्छर ने, इन्नी काई जमी हुई है, तो ये सांप भी घूमते हैं। असी कई दिन पहला वीडियो भी बनाई है, ये सांप भी घूमता पाया सी। तो ये आले दुआले बच्चे खेडते हैं, तो कोई भी बच्चा इतने डिग सकता है। कोई पता नहीं है जी, अगर जे कोई बड़ा हादसा हो गया तो कोई कौन इसकी जिम्मेवारी लेगा। तो मैनेजमेंट ने बना के छड़ती, दो साल हो गए, ये कोई सफाई नहीं करवा रहे। इक्का दुक्का एक दो बार आते हैं जो मजदूर, जो काई कोई कढ़ते हैं, बाकी कोई सफाई नहीं हुई। तो यदा उन्होंने तो बस बना के इतने लाते, पानी गंदा है तो फुहारे लाए हुए की करा असी फुहारियां का। जेकर असी इतने बच्चे सारे साडे बीमार हो रहे हैं, बार बार बीमार हो रहे हैं, तो डर लगता है जी। आजकल डेंगू फैलिया हुआ है, किसी भी टाइम किसी भी बच्चे को डेंगू हो सकता है, बड़ी घटना भी हो सकती है। तो ये कोई सुनवाई नहीं है। तुसी आप देख सकते हो इतने कितना गंदा पानी है, काई जमी हुई है, मच्छर होए हुए हैं। असी हर टाइम इस चीज़ नाल दहशत रहती है कि किसी बच्चे को कोई बीमारी ना हो जाए, कोई डेंगू या मलेरिया ना हो जाए। इस करके असी सारे डरे हुए हैं। तो असी सोचते हैं जी, ये बारे अधिकारी कोई ना कोई एक्शन लेन, या तो इनू बंद कराया जाए।
असं तो कहें बंद करा के कोई पार्क बना दो ताकि बच्चे बच्चों के लिए कोई झूले ला दो कोई एक्सरसाइज की मशीन ला दो ताकि सारा कोई सुविधा तो मिले ए सुविधा है किसी कोई यदि कोई फायदा नहीं है सारे नुकसान ही नुकसान है।